नमस्ते सस्रीयकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है सादिक सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड थी, और ये इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जे शंकर साहब, आपकी अदालत में आए हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है, आइए मिलके देखते हैं उसका एक छोटा सा क्लिप, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारा रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। पहले तो ये होता था कि अगर यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं तो आते जाते वहाँ पाकिस्तान में रुकेंगे, या सऊदी के प्रिंस आ रहे हैं तो वो रुकेंगे। अब वो बंद हो गया। देखिए, वो एक किस्म से ऐसी परंपरा थी, और ये थी क्योंकि लोग जो हैं इंडिया पाकिस्तान को, मैं 1950-60s की बात कर रहा हूँ, 70s की भी थोड़ी बहुत, लोग जो हैं हमें एक किस्म से एक स्तर पे मानते थे। तो जब, और ये आपने देखा होगा कि सालों से जो भी यहाँ आता था, जो वहाँ आता था, माने एक जगह तो दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ता था। पर पिछले मैं कहूँगा 9-10 साल से ये प्रक्रिया जो है ये बंद हो गई है, और आजकल लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि दुनिया, देखिए दुनिया का क्या इंटरेस्ट है? दुनिया का इंटरेस्ट है कि टेक्नोलॉजी में है, टैलेंट में है, इकोनॉमी में है, सुरक्षा में है। उनको लगता कि भाई ये देश जो है, अगर दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये कम से कम कुछ तो करेंगे हम सब के साथ मिलजुल के। अब ये अपेक्षा हम पे रख सकते हैं, उन पे क्या अपेक्षा रखें? तो अगर अपेक्षा ही नहीं तो कौन जाएगा वहाँ? देखिए, एक ज़माने तक तो हम समझते थे कि टर्की उनका साथ दे रहा है। अब मैंने देखा कि टर्की ने भी कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत मेंबर होना चाहिए। अगर हम इकोनॉमिकली 5 हो चुके हैं और आगे बढ़ने की संभावना है, पॉपुलेशन में हम 1 है, अगर आप लोगों से पूछेंगे कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप 3 जोड़िए दुनिया में, तो वो भारत का नाम लेंगे। तो हमारी जो है छवि बदल चुकी है, लोग समझते हैं, हर देश समझता है, खासकर जो जिम्मेदार देश जो होते हैं। अब तुर्की जो है G20 का सदस्य है, तो उनको ये समझ है कि भारत का योगदान क्या होना चाहिए, और खुद का अनुभव है। उन्होंने देखा, क्योंकि यहाँ भूकंप आया, हम लोग जो हैं सबसे पहले देश थे, सब पहले देशों में थे जो वहाँ गए, और हमारे वो डिज़ास्टर रेस्क्यू टीम ने वहाँ एक फील्ड हॉस्पिटल की उसको स्थापित किया, वहाँ बहुत लोगों का इलाज किया। हमारी जो टीम, जो डॉग स्क्वाड जो होती है, उन्होंने कुछ लोगों को बचाया भी वहाँ। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि दुनिया की सोच भारत के बारे में बदल जाती। तो आपके यहाँ कुछ तो फीलिंग होता होगा ना? तो पाकिस्तान का कुछ फ्यूचर है? हम अगले सवाल पे जा सकते हैं? अगला सवाल जनता से ले लेते हैं। हमने काफ़ी तस्वीरें और वीडियोस देखे हैं POK से, वहाँ के लोग मोदी सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उन्हें भारत में शामिल कर लिया जाए, तो क्या मोदी सरकार उनकी मदद करेंगे? करीब 30 साल पहले हमारे संसद ने तय किया था, और ये संसद का एक रेजोल्यूशन है इस पर, कि POK जो है ये भारत का बिल्कुल, इट्स ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सो। तो अभी जो है वो है, वो हमें एक किस्म से विरासत में ये प्रॉब्लम मिली है। तो आगे जो होगा वो हमें देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो हमारी अभी तक जो बातचीत हो रही थी, कि दुनिया भी बदल रही है, भारत भी बदल रहा है, पाकिस्तान भी बदल रहा है, तो आगे किस दिशा में जाएंगे ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। बहुत इसीलिए पूछ रही कि क्या पाकिस्तान का नक्शा भी बदलेगा थोड़ा बहुत? नहीं, पीओके जो है ये पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है, ये भारत के नक्शे में। इंडिया टीवी, हर वक्त हर जगह डाउनलोड। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था SG शंकर का, उसका एक क्लिप था, और ख़ास करके ये क्लिप भेजा गया है हमें
कि पीओके पे इस पे बात हो रही थी, और बात हो रही थी कि जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं वो पहले एक टाइम था कि आते हैं तो यहाँ से पाकिस्तान भी कुछ समय के लिए रुकते हैं और वहाँ भी कुछ ना कुछ मामला तय पाते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक ही लड़ी में परोया जाता था। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या आपने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है? तो उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, देखिए जी बेस्ट वर्ल्ड डिप्लोमेट अगर किसी को कहा जाए तो एस जे शंकर का उनमें नाम आता है। और बहुत ही खूबसूरत बयान जो रिप्लाई किया इस सारी चीज़ों पे, वो यही है कि एक तो वो बात नहीं करते उस तरह से जिस तरह हमारे लोगों को बात है, बात पे हमारे वजन भी कुछ नहीं है, लेकिन हम बातें करते ही जाएंगे रुकेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि इस क्वेश्चन से हम आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो उस तरह से बात ही नहीं करना चाहते, वो इस हमें हमारे इस मुल्क को इस काबिल ही नहीं समझते कि इस पे बात की जाए, और हमारे हैं कि बस लगे ही हुए हैं एक ही कतार में, बस हांकने लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई काबिल बंदा इस जो बड़ी सीट है उसके ऊपर हमने नहीं बैठा रखा। आज हमने एक बच्चे को नुमाइंदगी दी हुई है जो एक पप्पू है, और बस वो अपनी ढेंगियाँ मारता रहता है, कभी कुछ और कभी कुछ। अब आ जाए बाद में कि यहाँ क्यों नहीं रुकते सीधा। अब देखें मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहा है जी, बड़ी सरमायाकारी ला रहा है, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई वो रुके ना आते हुए ना जाते हुए। जब वो यहाँ ऊपर से गुजर के गया भारत में G20 के लिए, तो तब भी यहाँ पे बड़े मेम्स बने कि देखिए जी हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क हमारे ऊपर से गुजर के भारत चला गया, और वहाँ पे उसने G20 में शिरकत की। अब देखिए मोहम्मद बिन सलमान थोड़ा लेट हुआ G20 में पहुंचने के लिए, और यहाँ पे शोर और वबेला मच गया कि देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो वो पहुंच गया। और फिर सियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोचे वाली मिसाल थी, और फिर वो वापसी पे रुके गया जी, नहीं वो वापसी पे भी नहीं रुका, वो ऊपर से गुजर के चले गया, और फिर इसी में खुश है कि वो हमारे ऊपर से गुजर के गया, आया तो है ना इधर। और यही चीज़ है, देखिए मुफादात होते हैं, अपने मुल्क के मुफादात। मैं समझता हूँ मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही जो एक ज़बरदस्त रहनुमा है, अपने लोगों के लिए जो जिम्मेदार मुबालिक होते हैं, अपने लोगों का ख्याल करते हैं, अपने मुफादात का ख्याल करते हैं, और पाकिस्तान से किसी को क्या मुफाद हो सकता है? क्या उन्होंने देखे बड़ी खूब बात की है कि अब देखिए कि दुनिया क्या मांगती है, टेक्नोलॉजी मांगती है, अच्छी चीजें मांगती है, पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, फिर वहाँ पे रुकने का बनता है तो नहीं रुकने का बनता। अब वो वहाँ पे बात हुई पीओ, देखिए कितनी बेबसी है हमारे लिए, और मजबूरी समझे, लाचारी समझे, इसको क्या नाम दें, अपनी बेहसी समझें, अपनी जाहिलियत समझें, अपना नकम्मापन समझें, कुछ भी कहें लेकिन है तो है। और इस पे अब क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को एक्सेप्ट करके इसको बेहतर कर, और इसका जो वाहिद हाल मुझे नजर आता है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, इस हद तक पढ़ाइए कि पूरी एक पीढ़ी, पूरा एक समाज काबिल पीढ़ी निकले, तो वो आगे जाके बागदौर संभालें हमारे इस मुल्क की, इन जाहिलों के बस से ये हमारा मुल्क निकले तो फिर ये शायद कुछ हमारी छवि भी बेहतर हो, हमारे मुल्क का नाम भी इज्जत के साथ लिया जाए, और फिर जिस तरह से भारत की आई दुनिया में वो बात कर रहे थे कि वो जो इन्होंने उधर वो कानून पास किया, वो तकरीबन शिया कम्युनिटी उधर 1.5 लाख उधर वो एहतजाज किया, उन्होंने सरेआम यही नारा लगाया कि भाई कारगिल के बॉर्डर से अपनी फौज को हटाओ, पीछे अपनी फौज को लाओ, हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, हमें आपने दिया ही क्या है, ये ऐसे सख्त कानूनों के अलावा आपने हमें कोई भी सहूलत नहीं दी है, ना हमें कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ना कोई सड़कें, ना ही हमारे पास है, यहाँ से बिजली बनाते हैं और हमें बिजली नहीं दे रहे, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने यार उधर अपने दुख सुनाए हैं, उन्होंने पता नहीं कितने दिन उन्होंने उधर एहतजाज किया, वो आगा बाकर और उसके सारे जो थे सपोर्टर जो थे वो सारे उन्होंने उधर एहतजाज किया, और वो सरेआम मीडिया पे उन्होंने दिखाया भी, सोशल मीडिया पे हमारी मीडिया ने तो मेरे ख्याल वो भी नहीं दिखाया उन्हें, और उन्होंने सरेआम यही बात बार बार उन्होंने की कि हमें भाई कारगिल का बॉर्डर खोलो, हम कहा उधर देखिए जी, आप जब मुंह में जबान आ जाती है तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते कब तक रोक पाएंगे? सहूलत नहीं मिली है सोशल मीडिया के ऊपर, एक नौजवान की वीडियो देखकर बहुत ही जो है ना दिल को धचका लगा कि वो एक नौजवान लड़का है
और वो कहता है कि मैंने प्राइवेट जो है ना 32 से 40 लाख रुपया लगा के डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और आज मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है। और मैं फिर अपने हक के, या मेरे साथ जो दोस्त थे जो हम पढ़ते थे, जो हम टॉपर थे, उनमें से जो मेरे तीन दोस्त थे वो यही कहते थे कि भाई जल्दी जल्दी से डिग्री कंप्लीट करें और मुल्क से बाहर जाके हम अप्लाई करते। तो कहता मुझे दुख होता था कि यार ये इतनी काबिलियत होने के बावजूद, ये डिग्री लेने के बावजूद, ये मुल्क की खिदमत करने के बजाय बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो कहता आज मुझे दुख हो रहा है कि मैंने उनके साथ ये अप्लाई की हुई है और आज मैं यहाँ पे जरीलो ख्वार हो रहा हूँ इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी। लेकिन जब मैंने अपने यहाँ पे राइट्स के ऊपर बात की तो मैं आज मुझे छुपना पड़ रहा है, बजाय मुझे राइट्स मिलने के मुझे ही जो है ना वो पकड़ा जा रहा है, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यहाँ पे पढ़ा लिखा के काबिल कौन का बच्चा जो है ना वो सोचेगा कि भाई वो कह रहा आगे जो मेरे साथ चल रहा है उसके साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ क्या होगा। तो फिर काबिलियत को कौन तवज्जो देगा, वो यही कहेगा कि भाई मेरी कोई रिश्तेदारी या मेरी कोई दोस्ती यारी जो है ना वो उस खानदान के साथ हो जाए जहाँ से फोन आएगा और सारे रास्ते खुल जाएंगे। जब हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर काबिलियत की तरफ कौन जाएगा, हमें इस चीज की तरफ आना चाहिए कि जो काबिल लोग हैं उनके लिए रास्ते खोलने चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी खानदान से, किसी भी कम्युनिटी से है। तो जब वो काबिल लोग आगे आएंगे तो यहाँ पे अगर कोई काबिल बंदा आ भी जाता है तो हम उसके ऊपर भी फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं कि देखे जी इन्होंने तो वो फलाने को कर दिया, धमकाने को कर दिया। तो हम काबिलियत को नहीं देखते, हमने सिर्फ एक ही मियार रखा हुआ, एक ही जाविया रखा हुआ है जिसकी वजह से आज हम जहू हाली का शिकार हैं। हमने कभी भी काबिलियत के ऊपर ऐसा माहौल ही नहीं प्रोवाइड किया गया। अब देखिए उस तरफ जो है सरहद के उस पार देखिए, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है कि एक आम जो चाय पीने वाला बच्चा है, चाय बनाने वाले का बच्चा है, वो पीएम बन जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए एक अच्छे खासे खानदान से जो है ना एक आम फैमिली से रखने वाला बच्चा पढ़ लिख के भी आगे नहीं आता। तो इसकी भी वजह यही है कि हमें यहाँ पे ऐसा माहौल। चलिए जी, ये जो बातें हैं ये हकीकत है, तलख जरूर है लेकिन हकीकत यही है। और पाकिस्तान को हम आज दुनिया में कितनी इज्जत के काबिल बना रखा है ये हम अच्छे से देख सकते हैं। आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।